एम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज 39वां भाग है, जिसमें आपके सामने आज परवलय से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं लाया हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दिखाइए कि समीकरण 1/(x+y-a+1)/(x-y+a+1)/(y-x+a)=0 एक परवलय को निरूपित करता है। इसे सॉल्व करके एक परवलय के रूप में लाना है। इस प्रश्न का मेन उद्देश्य यही है कि इसे हल करके, परवलय के चार रूप होते हैं, चारों रूपों में से किसी एक रूप में ला देना है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं। 1 + (y-a+1)/(x-y+a+1)/(y-x+a) ये हमने लिख लिया समीकरण। अब क्या करना, अब इन तीनों का लघुत्तम ले लेना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कुछ इस प्रकार होगा, x+(y-a)/(x-y+a)/(y-x+a) एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये पहला ब्रैकेट कट जाएगा, ये दो ब्रैकेट बचेंगे, इन दो ब्रैकेट का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट का एक में गुणा करके यहाँ लिखेंगे हम। तो लिख देते हैं x-y+a((y-x+a)+। अब इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो बीच वाला कटेगा, फर्स्ट वाला, और ये लास्ट वाला बचेगा, इसको यहाँ लिख देंगे x+(y-a)(y-x+a)। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, प्लस अब इससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये थर्ड वाला कट जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का मैटर बचेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे x+(y-a)(x-y+a)। और इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, (=0) लिखेंगे। अगली लाइन में क्या होने वाला है ध्यान से देखें, इन तीनों ब्रैकेट का जब जीरो में गुणा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी अंश केवल बचेगा, और हर का जब इस जीरो में गुणा होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, केवल अंश बचेगा। अंश में भी हम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेंगे, और इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेते हैं। और नीचे वाला समझ लीजिए कि शून्य हो चुका है, तो चलिए इसका गुणा भी कर लेते हैं। गुणा करना है, पहला ब्रैकेट का मैं गुणा करूंगा, बाकी ब्रैकेट का मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से गुणा कर दूंगा। एक्स का वाई में होगा जब तो होगा xy, एक्स का एक्स में होगा तो -x2, एक्स का ए में होगा तो +ax, फिर वाई का वाई में होगा तो -y2, फिर वाई का एक्स में होगा तो +xy, फिर वाई का ए में होगा तो -ay, फिर ए का वाई में होगा तो +ay, उसके बाद ए का एक्स में होगा तो -ax, उसके बाद ए का ए में होगा तो +a2। अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा भी इसी तरीके से होना है। अभी दोनों ब्रैकेट का गुणा हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ से। (=0) अब यहां पर देखना यह है कि क्या क्या कट जाएगा और क्या क्या बच जाएगा, ध्यान से देखें। अभी तो +ay-ay कट गया, और -ax+x कट गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आप
प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, माइनस ए एक्स प्लस एक्स कट गया, और माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस ए वाई माइनस ए वाई कट गया, और देख लिया जाए कहाँ क्या कटने वाला है। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, अब जो बचा उसे नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कटने वाला रहेगा तो काट दिया जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर को पहले ढूंढ के लिख लेते हैं, यहाँ पर है, और ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, उसके बाद वाई स्क्वायर ढूंढ के लिखते हैं, कहीं पर वाई स्क्वायर देखिए माइनस वाई स्क्वायर यहाँ मिल गया, और कहाँ पर है और कहीं नहीं दिख रहा है। अब एक्स वाई ढूंढ लेते हैं, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई के बाद एक्स वाई कहाँ मिलेगा, एक्स वाई प्लस का यहाँ पर है और कहीं नहीं है। अब क्या ढूंढ लें, अब ढूंढ लेते हैं एक्स ढूंढ लेते हैं, प्लस का एक्स, प्लस का एक्स और कहीं नहीं है। अब ए वाई ढूंढ लेते हैं, ए वाई यहाँ पर है और देखते हैं, प्लस ए वाई यहाँ पर है, ए वाई से इधर नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख ले, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर और कहीं पर है क्या माइनस ए स्क्वायर, नहीं, बराबर जीरो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया और ये पहला वाला बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों फिर से कट गया, और माइनस वाई स्क्वायर बचा है, ये दोनों जोड़ देंगे प्लस टू एक्स वाई होगा, ये दोनों जोड़ देंगे प्लस टू ए एक्स होगा, और ये ए वाई जोड़ देंगे तो प्लस टू ए वाई होगा, माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ यहाँ से हम केवल कॉमन ले लेंगे, टू ए कॉमन लेते हैं तो हो गया एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये देख सकते हैं आप, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस टू ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ माइनस से गुणा करते दोनों पक्षों में तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बराबर जीरो। इसको हम परवलय के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, परवलय के रूप में कन्वर्ट करना ही नहीं है, बस इसको दाहिने पक्ष में कर देना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस टू ए एक्स प्लस वाई और माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे यही परवलय का समीकरण है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि यदि आपको अवकलन समाकलन अवकल समीकरण या
सदिश वेक्टर से संबंधित कोई भी वीडियो लिंक चाहिए, किसी भी प्रकार के वीडियो चाहिए, या किसी भी प्रकार के सवाल के जैसा दूसरे सवाल के वीडियो चाहिए, तो आप हमें हमारे नंबर 7525-8180-38 पर फ़ोन करके अपने व्हाट्सएप नंबर पर उसका वीडियो लिंक पा सकते हैं और अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।